एसडीएम सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने सोमवार को तहसील के सभागार में कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों के साथ बैठक किया। एसडीएम सदर ने राजस्व कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय शहर में कोरोना मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है, ये केवल जांच से ही संभव हो पाया है कि हम लोगों ने जाँच की संख्या को बढ़ाकर 3 गुना किया है। आप लोगों को आवश्यकता है कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें, जिससे जाँच को और बढ़ाया जाए और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसके लिए आप लोग आशा को साथ लेकर जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जिसमें जाँच को और बढ़ाया जाए। इसका इलाज शहर में प्रतिदिन 22 जगहों पर कैंप लगाकर निशुल्क कोरोना जांच किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोग्रवाल ने कहा, तो शहर में हमारे 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके माध्यम से हम जगह जगह शहर में हमने हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया है और जहाँ पे अधिक संख्या में पॉजिटिव व्यक्ति निकले हैं वहाँ पे 22 जगहों पे हम अलग-अलग कैंप लगा के इनका निःशुल्क कोरोना शिविर लगवा रहे हैं। तो हमने इसमें अमीन और लेखपाल की ड्यूटी लगाई है। प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनकी ड्यूटी है कि ऐसे स्थानों का चयन करना और ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को लेके आना और जिनमें लक्षण हैं ऐसे उनको जांच के लिए प्रेरित करना और जागरूकता फैलाना एक तरीके से। तो इनके माध्यम से हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लेके आ रहे हैं जो कि अपनी निःशुल्क कोरोना जांच इन शिविरों में करा रहे हैं। ये निःशुल्क कोरोना जाँच पिछले कई दिनों से चल रही है और अनवरत जारी है। इसके चलते हमने अपनी टेस्टिंग को 3 गुना तक बढ़ा लिया है और टेस्टिंग बढ़ने से एक तरफ जहाँ पर संक्रमण की चेन को हम रोक पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो हमारा भी कम आ गया है।